जी बिल्कुल, अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कुछ पुलिस एहलकार और कुछ पुलिस अफसरान जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं, जो मेयो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। एडिशनल आईजी अजहर हमीद घोकर हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं, वो इनकी अयादत के लिए आए। अजहर साहब, ये बताइएगा जो लोग यहाँ पर ज़ख्मी हैं, कितने लोग ज़ख्मी पुलिस एहलकार हुए हैं और इनकी अयादत के लिए आप बिहाफ ऑफ आईजी पंजाब आए हैं? दो ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, एक DSP रैंक के अफसर हैं, DSP फिरोजवाला जो थे, और एक जो है वो जवान जो है वो ज़ख्मी हैं। दोनों डॉक्टर से बात हुई है, उनको कुछ टाइम तो लगेगा, और महीना दो महीने लग सकते हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं, उनकी जान को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। उनके फर्दर वो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन उन्होंने रखा हुआ है, फर्दर उनके जो टेस्ट वगैरह हैं वो करते रहेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको सेहत देगा, हमारी दुआ भी है। और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं एक कर्टसी के तौर पर रिप्रेजेंट करने आया हूँ, ताकि उनका हाल भी पूछा जा सके, उनके जो अहलो अयाल हैं उनको भी जो है वो ये बताया जा सके कि डिपार्टमेंट उनकी कुर्बानी को जो है वो रिकग्नाइज करता है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जिसमें वो ज़ख्मी हुए हैं। और आपके इल्म में इससे पहले भी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, और इस ये जो मुश्किल दौर अब इस वक्त चल रहा है, इसमें भी हम खुद भी फोर्स को बड़ी रिस्ट्रेन का कहा हुआ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हम नहीं करना चाहते, ना कर रहे हैं, लेकिन बाद वक़्त थोड़ी बहुत शैलिंग या लाठी चार्ज जब ऐसी इन्वायरमेंट पैदा हो जिसमें लोग आग लगाने लग जाएं, तो फिर पुलिस को मजबूरन वो करना पड़ती है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आप बता सकेंगे कि पंजाब भर में कितने पुलिस अफसरान या एहलकार हैं जो अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं, और लाहौर के अलावा उन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया? देखें, मुख्तलिफ अजला में ये हैं, तकरीबन इस वक्त तादाद कोई 50 के करीब है, लेकिन इसमें से ज़्यादा लोग सीरियस नहीं हैं, किसी को पत्थर लगा है, किसी को जो है वो लाठियां मारी गई हैं। और एज अ पॉलिसी हमने रिस्ट्रेंट का लिया है, इसीलिए शायद दूसरी तरफ से इतने लोग ज़ख्मी नहीं हैं। हाँ जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी अजहर हमीद खोकर हमारे साथ थे, तो उनका ये कहना था कि 50 के करीब पुलिस एहलकार अफसरान और एहलकार ऐसे हैं जो अब तक ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जो है वो महकमा पंजाब की जानिब से जारी है। जी।